वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन से ही लग रहा होगा कि ये इंग्लिश की क्लास है। 5 से 6 क्लास मैं करवा चुकी हूँ। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपकी तैयारी बहुत हद तक पहुँच चुकी होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपको एक बड़ा सा एक लेटर दिया, वर्ड्स दिए रहते हैं, लेटर्स दिए रहते हैं, जो शब्द होते हैं, उस शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा वो आपको बताने होते हैं। तो वही है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं और इसके सारे फैक्ट्स भी जानेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। मैं इतना बता दूंगी कि आपको जो है सो आंसर दोबारा कहीं से जानने की जरूरत नहीं, खुद व खुद आपके माइंड में आंसर क्लिक होता जाएगा। तो पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ए हैटर ऑफ ओमेन, जो औरतों से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं। तो हर बार की तरह हम इस बार भी सबसे पहले सबका हिंदी जानते हैं कि सबसे पहले सबका हिंदी है क्या। तो एंड्रोगाइनिस्ट जो होता है पुरुषों से संबंधित होता है, पुरुषों से। मिजेनोथ्रोपिस्ट मतलब होता है नारी द्वेषी, नारी द्वेषी। और ईव ट्रीजर का होता है धंधा, दिन में जो धंधा किया जाता है उसे धंधा कहते हैं। और मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है, मिसोगाइनिस्ट यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एंड्रोगाइनिस्ट जो पुरुषों से होते हैं, मिसोगाइनिस्ट मतलब होता है नारी द्वेषी, मिजेनोथ्रेपिस्ट मतलब होता है मानव दोषी। ईव ट्रीजर जो दिन में जो धंधा किया जाता है उसे कहते हैं। तो आपके माइंड में पटक से आंसर आ रहा होगा इसमें नारी से कौन रिलेटेड है, तो नारी से मिसोगाइनिस्ट रिलेटेड है। यानी कि जो वुमेन से नफरत करता है उसे हम क्या कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट। क्या कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजी टू सेप इन एनी डिजायर्ड मैन, यानी कि एक ऐसा शेप जो एक इंसान जो है सो उसमें अपनी इच्छा के अनुसार ढल सके। तो यहाँ पे एक ऐसा मतलब कुछ उसकी जैसे कि उसकी कोई भी उस प्रकार से किसी निंदा कर रहा है, सबसे पहली बात इसका मतलब समझिए। इजी टू सेप एनी डिजायर्ड फॉर्म्स, यानी कि उसकी जो है सो बहुत आसानी से कोई इसकी निंदा करके चला जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है। पहला होता है डिक्टाइल है, डिक्टाइल का मतलब होता है आपको नमनीय होता है कि जो लवण से युक्त हो, नमनीय। फ्लेक्जिबल मतलब आप जानते हैं क्या होता है, लचीला। फ्लेक्जिबल मतलब होता है लचीला। प्लेस्टाइन मतलब होता है नाम नीच, इसका क्या होता है नाम नीच। मैलेवल मतलब होता है निंदनीय। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जो इजी से किसी को निंदा कर सकता है उसे क्या कहते हैं, निंदनीय। तो उसे क्या हो जाएगा, मैलेवल। क्या होगा, मैलेवल। यहाँ पे आपका ये आंसर बनता है। फिर यहाँ पे है अमाउंट ऑफ मनी डिमांड बाय किडनैपर्स, यहाँ पे किडनैपर्स के थ्रू जो मनी डिमांड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डोनेशन। मतलब क्या होता है, तो दान होता है, आप जानते होंगे। होनेरियम मतलब क्या होता है, होनेरियम मतलब होता है मानदेय। यानी कि कोई चीज होता है इसका एजुकेशन में ही यूज होता है, मानदेय। फिर यहाँ पे क्या है सैलरी, सैलरी में जो वेतन मिलता है उसे हम सैलरी कहते हैं। तो बचा कौन, रैंसन। रैंसन मतलब होता है फिरौती, क्या होता है फिरौती। तो यहाँ पे फिरौती, यानी कि 37 का आंसर हमारा सी होगा, रैंसन। रैंसन मतलब क्या, फिरौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी इनहेरिटेटेड फ्रॉम वंस फादर एंसेस्टर, यानी कि फादर के पूर्वजों द्वारा जो प्रॉपर्टी मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमनी, एलिमनी मतलब होता है तलाक के बाद जो पत्नी को जो राशि दी जाती है उसको एलिमनी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वॉलेंट्री मतलब होता है स्वैच्छिक। और यहाँ पे फिर तीसरा आता है आर्मिस्टिक मतलब होता है युद्ध विराम, क्या होता है युद्ध विराम। इसका मतलब पत्नी को दी जाने वाली अलग राशि, वॉलेंट्री मतलब होता है स्वैच्छिक राशि से, और आर्मिस्टिक मतलब होता है युद्ध विराम। तो पैट्रीमोनी मतलब होता है पिता के थ्रू जो विरासत में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रीमोनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैट विच मे बी ईजिली ब्रोकन, यानी कि कुछ भी ऐसा किसी को बहुत आसानी से नाजुक से क्या कर चुका जा रहे, ईजिली ब्रोकन तोड़ा जा सके।
तो यहाँ पे आइए जानते हैं आप, आई होप कि ये पांचों होने के बाद आपके माइंड में पटाक सा आंसर क्लिक कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब होता है अविनाशी। क्या होता है? अविनाशी। रिवोकेबल मतलब होता है प्रतिसंहरणीय, प्रतिसंहरणीय। फिर यहाँ पे होता है डिवाइजेबल मतलब होता है दो भागों में बांटना, और ब्रिटल मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से शीशे की तरह टूट जाए उसे हम ब्रिटल कहते हैं। यानी कि 39 का क्या आंसर हुआ? ब्रिटल। क्या हो गया? ब्रिटल। एक बार मैं आपको शुरू से आंसर करवा देती हूँ कि बहुत लोग अगर PDF कर रहे होंगे तो उनके लिए ये फायदा होगा। ए हैटर ऑफ वुमेन, मिसोगाइनिस्ट, मिजोगाइनिस्ट, ठीक है। इजली टू सेप एनी द डिजायरेबल फ्रॉम, तो मैलेबल, यानी कि मैलेबल होता है निंदनीय करके कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ द किडनैपर्स, किडनैपर के द्वारा रैंसम मांगा जाता है, ठीक है। रैंसम मतलब फिरौती होता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर एंसेस्टर, पैट्रिमोनी। यहाँ पे है द विच मे बी द इजली ब्रोकन, तो अभी मैंने बताया है। क्या होगा? ब्रिटल, ब्रिटल होगा। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्लास जो होता है बस 5 क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे दे रही हूँ, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही छोटा पे क्लोज टेस्ट फील करने में आसान रहेगा। पहला क्वेश्चन है ब्रिस्क, ब्रिक्स मतलब होता है बहुत तेज। दूसरा है सॉलिट्री, सॉलिट्री मतलब होता है अकेला। वॉलेंट्री मतलब अभी मैं बताई हूँ। स्वैच्छिक, सबटल मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। पैसिफिक, शांति। डिडैक्ट पता लगाना। हैक टुकड़े टुकड़े करना, उसको क्या कहेंगे? हैक कहेंगे। ये मोबाइल वाला हैक नहीं है, ये है। क्रेजी मीन्स सन की। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है एक समान से। डिजास्टर मतलब विनाश, और कॉन्क्विस्ट मतलब, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? साइनो एंटो भी बन सकता है। डिजास्टर और कॉन्क्विस्ट, कॉन्क्विस्ट मतलब विजय और डिजास्टर मतलब क्या होता है? विनाश। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अरे भाई, बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना भाई मेरी बहन, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले किसकी घंटी बजे? अरे आप लोगों की, फ़ोन की। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।